हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारी यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे, सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है, और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पर भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th। हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है, और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट अपना कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना, चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन और वन्यजीव संसाधन, ठीक है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हम ये देखेंगे कि किस किस तरीके के फॉरेस्ट के रिसोर्सेज किस तरीके के होते हैं, और वाइल्ड लाइफ हमारी किस किस तरीके की हमें देखने को मिलती है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वी शेयर दिस प्लैनेट with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. Normal सी चीज है कि अब ये जो हमारा planet है, अर्थ पे हम रह रहे हैं, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे सिर्फ हम living beings, human beings ही रह रहे हैं, हम सिर्फ इंसान ही रह रहे हैं, नहीं, बहुत सारे और भी हमें लिविंग बींग्स देखने को मिलते हैं जिनके साथ
हम ये प्लैनेट शेयर करते हैं, सब एक दूसरे के साथ इस प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं, और हर एक छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, अपनी एक वर्थ है, एक रोल जो वो प्ले करते हैं, ठीक है। चाहे वो कितने भी छोटे हैं, लेकिन वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस और उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर हम स्टार्ट करें, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या बैक्टीरिया हैं, ठीक है, लाइकेंस हैं, बनियन ट्रीज हैं, या फिर एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, या फिर कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ब्लू वेल्स हैं, ठीक है, हर एक सभी के साथ हम इस प्लैनेट को शेयर करते हैं। The entire habitat we have that we live in has immense biodiversity. जो पूरा का पूरा habitat है जिसमें आज हम रह रहे हैं, उसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी biodiversity है। हर एक तरीके का species हम देख सकते हैं, हर एक angle से हर एक तरीके का हमें species, हर एक different region पे हमें देखने को मिलेगा। We humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. ठीक है, क्या चीज है कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक बैक्टीरिया से लेके और जो बड़े बड़े एनिमल्स या बड़े बड़े लिविंग बींग्स हैं उन तक अगर हम बात करें, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, ठीक है, तो हम उनके साथ एक एक क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेब बना रहे हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम जिसका एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि हम पार्ट क्यों हैं, क्योंकि सब कुछ मतलब हर एक चीज़ हर एक दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये इसीलिए क्या कहा जा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स वेब है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर इन वन वे और दी अदर वो डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, राइट। For example, the plants, animals and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food without which we cannot survive. कि अगर हम plants, animals या microorganisms की बात करें तो ये क्या है, ये recreate करते हैं हर चीज़ को। जैसे कि अगर हम बात करें तो वो हवा जो जिससे जिसमें हम सांस लेते हैं, प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करके वो इनहेल करके वो एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। हमें रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की, फ्रेश एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जो ऑक्सीजन जो एक वो अच्छी एयर है, फ्रेश एयर है, वो हमें कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, ठीक है, जो पानी हम पीते हैं, या फिर जो सॉइल है जिसमें हम हमारा फूड प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करती है, इनके बिना हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो हम एक हर एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है इन वन वे और दी अदर, ठीक है। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। अब अगर हम इन्हीं में फिर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट तो इस इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये इनको हम क्या भी कह सकते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जिसके ऊपर सारे के सारे लिविंग बींग्स जो हैं डिपेंडेंट होते हैं, राइट। जो भी चीज़ है, हम चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी के सभी इन पे डिपेंड होते ही हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं।
अब हम बात करें, ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम इस प्लैनेट को सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हर एक स्पीशीज़ है, चाहे वो फ्लोरा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर वो फॉरेस्ट ही क्यों ना है, पूरा का पूरा वन। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया में हमें किस किस तरीके से हमें फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जीव, मतलब जो पेड़ पौधे और जो जानवर हैं, हमें किस तरह के कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। मतलब कि अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर और ऐसे पेड़ पौधे दिखेंगे जो कि हमारे ही एरिया में काफ़ी यूनिक है, अलग तरीके के हैं। इन फैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया हमें एक ऐसी दुनिया भर में हमें एक रिचेस्ट कंट्री में से देखने को मिलती है, जिसमें कि काफ़ी सारी हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी। कैसे, हमने आई थिंक कौन से चैप्टर में रीड किया था ये, आई थिंक क्लास 9th के शायद हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया होगा, जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर था, चैप्टर 5। तो उसमें क्या चीज़ थी, हमने क्या देखा था कि इंडिया जो है वो फ्लोरा एंड फौना की जो स्पीशीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया में हमें प्लांट की नियर अबाउट शायद 15,000 स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है। कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा वैरायटी है, 15,000 वैरायटी हमें देखने को मिलती है स्पीशीज़, ठीक है। और एनिमल्स की तो हमें 90,000 के आसपास देखने को मिलती है, 90,000 स्पीशीज़ की अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ हैं। तो इंडिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। देयर इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। अब जितने हम जानते हैं, जितनों के बारे में हमने मैपिंग की हुई है, सर्वे किया हुआ है, डिस्कवरी हो चुकी है, उससे लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा हमारे कंट्री में, इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनको अभी डिस्कवर करना बाकी, अभी तक डिस्कवर किया ही नहीं गया है उनको, ठीक है। मतलब कि जो हम ये एस्टिमेट की बात कर रहे हैं कि नियर अबाउट 90,000 स्पीशीज़ हमें ऐसे देखने को मिलते हैं इंडिया में ही एनिमल्स के, तो 90,000 तो क्या हैं, हम कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि उनको डिस्कवर कर लिया जा चुका है तब वो 90,000 बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो ये डिस्कवर हुए हैं, जैसे कि ये जो 90,000 स्पीशीज़ है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, तो उससे 2 से 3 गुना, मतलब कि 90,000 के 2 से 3 गुना, मतलब 180,000 से 270,000 तक की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनकी डिस्कवरी ही नहीं हुई है अभी तक। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। ये हमने वही जो हम बात कर रहे हैं लास्ट क्लास के में, क्लास 9th के लास्ट चैप्टर में, नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हमने फॉरेस्ट के बारे में और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है हमने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। यू मे हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आर डेली लाइफ। उसमें हमने इनकी इम्पॉर्टेंस भी देखी कि ये कितने ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड। वो कहते हैं ना कि एक पर्सन की इम्पॉर्टेंस का तब तक पता नहीं चलता जब तक वो पर्सन हमारे साथ है, कि वो पर्सन हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब तक वो हमारे साथ है ना, हमें उसकी इम्पॉर्टेंस का, हमें उसके काम का, वो हमारे लिए कितना टाइम निकाल रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलता। जब हम उस पर्सन से दूर होते हैं, वो पर्सन हमसे अलग होता है ना, जब तब हमें उसकी इम्पॉर्टेंस का एहसास होता है, तब हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना काम कर रहे थे, हमारे लिए हमें कितना प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो वही चीज़ है कि जब तक वो हमारे साथ हैं हम उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हम उनको वो इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड ही नहीं करें क्योंकि हम उनकी इम्पॉर्टेंस समझ ही नहीं रहे। तो वही काम आज हम फ्लोरा एंड फौना के साथ, जो भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, हम उनके साथ करें कि वो हमारी लाइफ में
इतने ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुके हैं क्योंकि वो हमें दिखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारी लाइफ में ही वो हैं, तो इसीलिए हम उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं, हम उनको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड समझते हैं, हम उनकी इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझ पा रहे। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आर एनवायरमेंट। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि प्लांट्स को बचाना है, एफॉरेस्टेशन करना है, एनिमल्स को कंजर्व करना है, काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स में जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, तो ये किस लिए लाए गए हैं प्रोजेक्ट्स, इनको कंजर्व करने के लिए। कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या पता चल रहा है कि इनको इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो अब जब ये स्ट्रेस के अंदर आ गए हैं और हमें जब ये प्रॉब्लम्स महसूस होनी लगी है, वही बात है ना कि जब वो पर्सन हमारी लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाता है, हमसे थोड़ा सा दूर चला जाता है, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है, या उस पर्सन के वो पर्सन जब हमारे लिए वो काम नहीं कर पा रहा है, हमारी मदद नहीं कर पा रहा है, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है। तो सिमिलरली अब जब ये फ्लोरा एंड फौना अब जब स्ट्रेस में आए हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें भी दिक्कत महसूस हुई है, हमें पता चला, अब हमने इनकी इंपॉर्टेंस को समझा, तब हम क्या किया है हमने कि जो इनसेंसिटिविटी थी हमारी कि हम एक्सप्लॉइट करते थे एनवायरनमेंट को, इन प्लांट्स को, एनिमल्स को, अब हमने वो सेंसिटिविटी गेन कर ली है आज के टाइम पे, राइट। सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन्ड लिस्ट। अब जो कुछ एस्टिमेट हैं, कुछ एस्टिमेट के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, क्या चीज़ बताई है कि इंडिया की जो वाइल्ड फ्लोरा है उसकी वो 10% लगभग 10% के आसपास, ठीक है, और मतलब लगभग भी नहीं, कम से कम 10% तो है ही है, कम से कम 10%, और जो 20% जो मैमल्स हैं इंडिया के वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं कि वो थ्रेटेंड हैं, मतलब कि खतरे में हैं, थ्रेटेंड लिस्ट में उनको डाला जा चुका है। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, चिंताजनक बात है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मतलब अब विलुप्त होने के कगार पे हैं वो, दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्रिटिकल का क्या मतलब है कि वो विलुप्त होने की कगार पे हैं हम, कि वो विलुप्त हो सकते हैं। लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका इनसिग्निस, अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ एंड हुबार्डिया हेप्टान्यूरोन, अ स्पीशीज ऑफ ग्रास, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको क्रिटिकल की कैटेगरी में डालते, थ्रेटेंड में तो कौन से थे, जो कि खतरे में हैं, थोड़े से भाई खतरे में आ चुके हैं वो, ठीक है, खतरे में। अब क्या हो गया है कि अब उनकी कंडीशन कुछ ऐसे हैं जिनकी कंडीशन और भी ज़्यादा बेकार हो गई है, कि अब वो तो ऐसे पे हैं कि नहीं ध्यान दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो उनको ऐसी लिस्ट में भी हमें काफ़ी सारे स्पीशीज़ देखने को मिल रहे हैं। इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पीशीज़ मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, और ये तो बताया ही नहीं जा सकता कि कितनी ऐसी स्पीशीज़ है जिनको हम खो चुके हैं, मतलब जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। कि आज के टाइम पे भी बेशक से शायद थोड़ी सेंसिटिविटी आई है लोगों में, अवेयरनेस आई है थोड़ी सी, लेकिन आज के टाइम पे भी जो मेनली बात की जाती है, जो वो बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि हमें प्रॉपर्ली विजिबल होते हैं, बड़े बड़े हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, उन पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, छोटे एनिमल्स या फिर छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, उन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, अभी भी उसके प्रति इनसेंसिटिविटी ही है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज बेस्ड ऑन द IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वी कैन क्लासीफाई एज फॉलोज,
कि अब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अलग अलग जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब वो कैटेगरी किसके बेसिस पे, ये क्लासिफिकेशन जो अब हम करने जा रहे हैं वो किसके बेसिस पे है, किसने किया है वो क्लासिफिकेशन, IUCN ने। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, सबसे पहले इन्होंने दिया है, पहली क्लासिफिकेशन क्या है, नॉर्मल स्पीशीज, सामान्य प्रजातियां, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एक्सेट्रा। नॉर्मल स्पीशीज कौन सी है कि जो हमें, मतलब जिनके क्वांटिटी अच्छे अच्छे खासे हैं, अभी प्रेजेंट है हमारे पास एनवायरनमेंट में, मतलब कि जिनका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है उनकी, नॉर्मल लेवल पे, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि कैटल है या रोडेंट्स हैं, जैसे गाय हैं, चूहे हैं, ठीक है। तो जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, अच्छी खासी है। सेकंड हमारे आते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, लुप्त प्राय प्रजातियां, एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, दीज आर स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी है जो इस खतरे में है कि वो आगे जाके, अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो आगे जाके क्या हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। जैसे जो हम क्रिटिकल की बात कर रहे थे, तो वही स्पीशीज़ होती है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो एक टाइम पे जाके क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज़ डिफ़िकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कॉन्टिन्यू टू ऑपरेट। अब ये विलुप्त कैसे हो सकती हैं, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है। तो अगर वो पॉपुलेशन भी ख़त्म हो जाएगी, वो पॉपुलेशन भी चली गई, तो क्या हो जाएगी, ये विलुप्त हो जाएगी, वो हमें प्रजाति देखने को ही नहीं मिलेगी। और वो कब ऐसा एक्सटिंक्शन वाली स्थिति कब आएगी, कि अब जो ये पॉपुलेशन है इन स्पीशीज़ की, इन प्रजातियों की, वो इस कैटेगरी में क्यों आई है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। वो कम क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे ना जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है, उनकी डेथ हुई है, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो, ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो, कुछ नेग्लिजेंस की वजह से हो, उनके फॉर ग्रांटेड बिहेवियर की वजह से हो, ठीक है, या फिर जैसे क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से है। तो जो भी फैक्टर रहा होगा, अगर उस फैक्टर को हमने अभी से नहीं देखा, ये एंडेंजर्ड में क्यों रखा जा रहा है, कि जो फैक्टर्स, अब इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, तो अब हमें क्या चीज़ करनी है, हमें वो इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि इनकी पॉपुलेशन किस वजह से कम हो रही है, क्या चीज़ है जो इन प्रजातियों को, क्या फैक्टर है वो, क्या रीजंस हैं जो इन प्रजातियों को अफेक्ट कर रहे हैं। अब उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करके उनको हमें ख़त्म करना है, कि वो फैक्टर्स हों ही ना, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म ना हो, जो बची कुची है वो हमारे पास बची रहे, और उस बची कुची से फिर हम आगे उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर पाएँ। लेकिन अगर वो फैक्टर्स को हम नहीं देखेंगे, वो फैक्टर्स रहेंगे ही, ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, तो क्या होगा कि जो बची कुची पॉपुलेशन में, वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगे, वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाऊ, संगाई या ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर एक्सेट्रा। अब ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में है, कि ये एंडेंजर्ड में क्या है, कि इन पे अब ध्यान देना है, कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो जिन रीजन से कम हुई है, उन रीजन्स को ही हमें हटाना है, ताकि जो पॉपुलेशन बची हुई है उसको हम बचा के ही रख पाएं, ठीक है। तो वो है हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट आती है हमारी वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी होंगी, सुभेद्य प्रजातियाँ, मतलब कि जो ऐसी कैटेगरी में आ गई हैं, वो एंडेंजर्ड तो नहीं है, वो वल्नरेबल में आ गए, मतलब कि वो एक्सपोज, वो कहते हैं ना कि एक्सपोज हो गई है, अब वो स्पीशीज़ एक्सपोज हो चुकी है, कि हाँ अब ये इस पे ध्यान देना है, नहीं तो ये धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी।
These are the species whose population has declined to level from where it is likely to move in the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. अब vulnerable क्या है कि जब ये नज़र में आ गई है, ऊपर आ गई है ये, कि अब भाई अरे अच्छा ये चीज़ है, अरे इस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, vulnerable नज़र में आ गई है अब वो. ठीक है, क्या है कि इन स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है कि हम उसको कह दें कि भाई अब तो इसको पूरे तरीके से बचाना है नहीं तो ये विलुप्त हो जाएगी, जिसको हम एंडेंजर्ड कह रहे हैं कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है, ऐसा नहीं है. लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है पहले के मुकाबले, या नॉर्मल लेवल के हिसाब से उसके कंपेरिजन में इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है. अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया कि जो भी रीजंस है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन नॉर्मल लेवल से कम आई है, अगर उन रीजंस को हमने ध्यान नहीं दिया तो ये एक टाइम पे आके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में ही आ जाएगी. ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब कि ये पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है. तो हमें क्या करना है, अभी वल्नरेबल है कि इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हुई है तो इसको अभी से ही पकड़ लो ताकि ये एंडेंजर्ड में ना जाए. अभी से ही इसके जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, जो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये अफेक्ट हो रही है स्पीशीज़, उन फैक्टर्स को, उन रीजंस को अभी से ख़त्म कर दो. द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज़ आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बाद आती हैं रेयर स्पीशीज़, दुर्लभ प्रजातियाँ. रेयर नाम से ही पता चल रहा है, जो बहुत मुश्किलों से मिलती हैं, मतलब कि बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम. जैसे हम कहते हैं ना रेयर है यार ये चीज़ तो रेयर है, मतलब कि हमें इक्का दुक्का ही देखने को मिलता है, वो होती हैं रेयर. ठीक है, तो रेयर स्पीशीज़ है, मतलब रेयर का क्या मतलब हुआ अब यहाँ पर, रेयर स्पीशीज़ जो कि कुछ वो स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रही है. मतलब वो स्पीशीज़ क्या हैं, नॉर्मल लेवल भी जो उनका है, नॉर्मल पॉपुलेशन लेवल, वो भी उनका काफ़ी कम ही है. तो अब जो ऑलरेडी कम ही है उनकी पॉपुलेशन, मतलब कि रेयर है वो स्पीशीज़ ना, हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है उसकी नॉर्मल लेवल पे भी, नॉर्मल लेवल पे भी उसकी कम ही पॉपुलेशन है. तो अब जब कम ही पॉपुलेशन है, अगर अभी तो आएगी तो वो वैसे नॉर्मल स्पीशीज़ में, क्योंकि जो उसकी नॉर्मल पॉपुलेशन लेवल है वही भी होगा तब भी, लेकिन स्पीशीज़ तो बहुत कम है ना, उसकी नॉर्मल पॉपुलेशन लेवल भी उसका काफ़ी ज़्यादा कम है. तो अगर हमने इस पे ध्यान दिया ही नहीं तो ये तो बहुत ही जल्दी वल्नरेबल पे और वल्नरेबल से एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाएगी. तो इसीलिए इस पे ध्यान देना है कि इसको जो जो चीज़ें सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं हम वो उसकी ध्यान रखें, उनको कंजर्व करके रखें. स्पीशीज़ विद स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी नॉर्मल लेवल पे ही कम होती है, मे मूव इन टू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कॉन्टिन्यू टू ऑपरेट. कि जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं या कर सकते हैं, उनको हमें बंद करना है, रोकना है, फाइंड आउट करके, ताकि ये जो स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, ये वल्नरेबल और वल्नरेबल से एंडेंजर्ड कैटेगरी में शिफ्ट ना हो जाए. The examples of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill. ठीक है, तो ये होती है हमारी दुर्लभ प्रजातियाँ, रेयर स्पीशीज. उसके बाद आती है एंडेमिक स्पीशीज, स्थानिक प्रजातियाँ. नाम से ही पता चल रहा है स्थानिक, एंडेमिक, जो कि उस रीजन पे ही होती है, मतलब कि जो हमारे कंट्री में ही या एक पर्टिकुलर रीजन पे अब ही ग्रो होती है, उनको हम क्या कह देते हैं, एंडेमिक है. दीज आर स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स. ये वो स्पीशीज हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही मिलती है. क्योंकि पर्टिकुलर जगहों पे क्यों मिल रही है, क्योंकि वो आइसोलेट हो रखी हैं. जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो ट्राइबल पॉपुलेशन हमें कहाँ मिलते हैं, मेनली ट्राइबल एरियाज में ही मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, वो वहाँ से बाहर जाते ही नहीं है. तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये आइसोलेटेड हैं कुछ नेचुरल बैरियर या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, जिसकी वजह से ये फैल नहीं पा रहे हैं.
ये हर जगह जा नहीं पा रही हैं, फैल नहीं पा रही ये स्पीशीज़, तो ये वहाँ पे फंसी हुई है, आइसोलेट हो रखी हैं, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर रीजन पे ही ये हमें देखने को मिलती हैं। और इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, मतलब एक एक ही स्थान पे मिल रही हैं, इसीलिए स्थानिक प्रजातियाँ, एंडेमिक स्पीशीज। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज आर दी अंडमान टील, अंडमान नाम से ही पता चल रहा है अंडमान आइलैंड पे है, निकोबार पिजन जो कि निकोबार आइलैंड पे ही होगा, अंडमान वाइल्ड पिग अंडमान आइलैंड पे ही होगा ये वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की ये स्पीशीज़ है मिथुन, जो कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जो रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर एरिया में ही हमें देखने को मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़। उसके बाद आती है हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट कौन सी है, जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं होगा क्योंकि वो जा चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चिज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर। ठीक है, ये कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में जैसे हमें पता है कि अच्छा ये स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती थी और इन इन प्लेसेस पे, इन इन जगहों पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, जहाँ पे हमें पता है या फिर हमें लगता है कि शायद वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती होंगी, उन सभी जगहों पे ढूंढ लिया उनको, लेकिन कहीं पे भी वो स्पीशीज़ मिली नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्पीशीज़ विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है अब, तो वो कौन सी होती है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। अ स्पीशीज़ मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया रीजन कंट्री कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पूरी दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं है। नहीं, एक स्पीशीज़ जो है एक पर्टिकुलर रीजन में भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, कि एक जगह पे जहाँ पे वो हुआ करती थी अब वो वहाँ पे नहीं है, एक भी स्पीशीज़ नहीं है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में एक्सटिंक्ट हो गई है। या फिर एक कंट्री में, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि इंडिया है, हम कहें कि एक स्पीशीज़ इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, इंडिया में जहाँ पे मिलती थी वो स्पीशीज़ जहाँ पे रहती थी अब वो वहाँ पे स्पीशीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, इसका मतलब क्या है, वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन दुनिया के बाकी जगहों पे, बाकी देशों में हमें वो देखने को मिल रही है। ठीक है, या फिर एक कॉन्टिनेंट पे ही नहीं है, एक कॉन्टिनेंट पे ही एक्सटिंक्ट हुई है, कि अगर हम एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की, कि कोई स्पीशीज़ एशिया कॉन्टिनेंट में किसी भी जगह, किसी भी कंट्री में नहीं मिल रही है, किसी भी कंट्री में नहीं है, लेकिन वो यूरोप है या अमेरिका है, उन कॉन्टिनेंट्स पे वो मिल रही है। ठीक है, तो क्या है, वो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट पे ही एक्सटिंक्ट हुई है, या फिर वो पूरे की पूरे अर्थ पे से ही एक्सटिंक्ट हो गई, अगर वो किसी भी कॉन्टिनेंट पे, किसी भी कंट्री में नहीं मिल रही है स्पीशीज़, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑल टुगेदर ही ख़त्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज आर द एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। ये कौन सी स्पीशीज़ है जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया है ये हमने IUCN के बेसिस पे किया। IUCN ने ये क्लासिफिकेशन दिया, क्या क्या थी, नॉर्मल स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है काफ़ी, और अगर ध्यान नहीं दिया गया उनको बचाने पे तो वो विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फिर थी वल्नरेबल स्पीशीज़ की जिनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, अब वो लाइमलाइट में आ गए कि भाई पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई, अभी से ध्यान देना पड़ेगा, अभी से ध्यान नहीं दिया तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाएगी। फिर है रेयर स्पीशीज़ जो वैसे ही बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम ही पॉपुलेशन उसकी नॉर्मल लेवल पे भी मिलती है, तो अब जो बहुत कम है तो उसको टाइम नहीं लगेगा वल्नरेबल या एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने के लिए, तो इसीलिए उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो थोड़ी सी पॉपुलेशन है उसको ही कंजर्व किया जा सके। उसके बाद है हमारी एंडेमिक स्पीशीज़ जो कि एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया पे ही हमें पाई मिलती है, पाई जाती है, क्योंकि कुछ बैरियर की वजह से वो दूसरी जगहों पे नहीं जा पाते। और लास्ट थी हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, राइट? नाउ इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब हमने नेचर से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं, चाहे वो जंगलों से, वन से, फॉरेस्ट से, या फिर वो वन्य जीव से, वाइल्ड लाइफ से, जैसे कि वुड है, बार्क्स है, लीव्स है, रबर, मेडिसिंस, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मेन्योर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं जो हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उनसे ऑब्टेन करते हैं ये रिसोर्सेज को। सो इट इज़ वी आरसेल्व्स हु हैव डिप्लीटेड आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये हम खुद हैं जिन्होंने ये एक्सप्लॉयटेशन किया, ये डिप्लीशन किया है फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ में। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। अब जो सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है इन इंडिया के फॉरेस्ट को, वो सबसे ज़्यादा डैमेज कब हुआ है? कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, कि जब फॉरेन पावर्स आई थी, फॉरेन कंट्रीज आई थी यहाँ पे, उन्होंने स्टे किया था, अपनी कॉलोनी बनाई थी इंडिया को, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट को कट किया, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। जैसे कि उस टाइम पे जैसे लायंस हैं या टाइगर्स हैं या जो दूसरे एनिमल्स हैं, उनका शिकार करना, उनको मारना क्या होता था? एक गेम हुआ करता था कि कौन कितने ज़्यादा मारता है। ये आपको NCERT के बुक में मिलेगा, आई थिंक 9th की NCERT में भी शायद ये गिवन है, 9th की NCERT में ये प्रॉपरली गिवन है कि उन्होंने इतने टाइगर्स को मारा, इतने लायंस को मारा। तो क्या है, वो उनके लिए एक गेम हुआ करता था। तो उससे क्या है, हमें काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलेशन कम होती हुई देखने को मिली, वाइल्ड लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। दूसरा, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करवाया, क्योंकि जैसे जो ग्रेजिंग लैंड्स हुआ करते थे या वैसे फॉरेस्ट हुआ करते थे, वो उसको वेस्ट समझते थे कि इससे हमारी कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू हमें ये कोई नहीं दे रहा है, हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उसको भी कल्टीवेशन में डालना है हमें, ठीक है, एग्रीकल्चर में उसको लेके आना है, वहाँ पे कैश क्रॉप्स उगानी है ताकि उसको बेच के हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। दूसरा, उन्होंने क्या किया था, रेलवेज डेवलप की थी, तो रेलवेज डेवलप करने के लिए जो रेलवे लाइंस बनाई गई थी वो वुड लॉग्स की ही बनाई जाती थी, टिम्बर, तो उसको काटा जाता था, ठीक है, उसके लिए पेड़ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उन पेड़ों को काटा गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा उनके एक्सपेंशन की वजह से इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पर डैमेज हो गए थे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब इंडिपेंडेंस के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जो ये एग्रीकल्चर है उसका एक्सपेंशन होता ही रहा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इनसिक्योर थे, फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी, हमारे पास हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे खाने के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपैंड होता चला गया, वो एक्सपेंशन कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो और भी ज़्यादा डिप्लीट होते चले गए। बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इन टू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। मतलब कि मोटे मोटे 30 साल के पीरियड में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट था वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया। और ये किसके रिपोर्ट के हिसाब से है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बताया है। सब्सटैंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स especially in the northeastern and central India have been deforested or degraded by shifting cultivation, a type of slash and burn agriculture। कि कुछ ट्राइबल बेल्ट्स में, उन पार्ट्स में, जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की या सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे क्या हुआ करता था, झूम कल्टीवेशन किया जाता था, स्लैश एंड बर्न, मतलब कि जैसे जो कटाई होती था, वो जो पराली हुआ करती थी उसको जला दिया जाता था, जैसे कि जो खेत है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसको जला दिया जाता था, और उसके बाद फिर उसको यूज़ किया जाता था।
ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उनमें आग लग जाया करती थी कई बार, तो वो हमें उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो कौन सा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बात बताई है कि विद इन पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, चाहे 1951-1980 डालने की ज़रूरत नहीं है, या डाल देना थोड़ा सा कि 1950s के अराउंड नेक्स्ट 30 ईयर्स में, 3 डेकेड्स में, हाँ, उन्होंने बताया कि नियर अबाउट, चाहे 26,000 लिख देना नहीं याद रहते, 25,000 to 26,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो थे वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिए गए थे, राइट। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज भी सेटअप की गई, जैसे हमारा जो सेकेंड 5-year प्लान था महाला नोबिस मॉडल पे जो बेस्ड है, उसमें क्या की थी, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने में, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने पे बात की गई थी, तो उसके उसके लिए या वैसे भी जो बड़े बड़े लार्ज स्केल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे उन्होंने भी किसमें कंट्रीब्यूट किया। अब वो चलाएंगे तो उनको लैंड की ज़रूरत है, तो वो लैंड कहाँ से आ रही थी, फॉरेस्ट को क्लियर करके ही वो लैंड आ रही थी। सो सिंस 1951 ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको भी नोट करना है, ये भी हम मेंस में लिख सकते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में इन चीज़ों को हाईलाइट करना, लिखना बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। आज के टाइम पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो फॉरेस्ट क्लियरिंग का प्रोसीजर है ये चलता ही जा रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है उसमें फॉरेस्ट क्लियर करने की बात की जा रही है, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट क्लियर होंगे ही होंगे, होते जा रहे हैं। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के एक और जो फैक्टर है वो कौन सा है, माइनिंग, ठीक है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। अब माइनिंग के लिए सीरियसली थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड कैटेगरी में कौन सा है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट इन सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। कि अब ये जो नेचुरल जैसे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जा रहा है, अब क्या है, जो मेनली जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, अब जब फॉरेस्ट को ही क्लियर कर दिया जाएगा तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जो वेरियस स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ का हम एक तरीके से घर काट रहे हैं ना, घर जला रहे हैं हम उनका, घर को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें उसको क्या करना है, बचाना है। लेकिन अब हम उनका घर ही ले रहे हैं तो वो घर उनका ख़त्म होने की वजह से ये जो स्पीशीज़ है ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, इनको माइग्रेट करना पड़ रहा है क्योंकि इनको घर नहीं मिल रहा, इनको खाना पीना नहीं मिल रहा, खाने के ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल पा रहा है इनको, क्योंकि इनका घर छीन लिया हमने, सारे पेड़ काट दिए, क्लियर कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, ये जो आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है ना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने उनके घर छीन लिए, तो अब बेचारे वो भटकते हुए खाने की तलाश में, पानी के लिए, रहने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे घरों में, घरों की तरफ आ रहे हैं, वो हमारी हैबिटेट में एंटर कर रहे हैं क्योंकि हमने उनसे उनका घर छीन लिया, राइट। सो यहीं तक अपने लेक्चर को एंड अप करते हैं, कल अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इससे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा, और यहाँ से आपको मेंस के भी काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो इनको प्लीज़ नोट करना, ज़्यादा नोट करने का भी इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ जो मेंस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर नोट करना है, बाकी सारी चीज़ें तो ईजी हैं। जैसे हमने बेसिकली पढ़ा क्या है इसमें, अभी तक हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखी है फॉर स्पीशीज़ की, वो तो ऐसी है कि वो नेम से ही समझ में आ जाएगी, अगर आपने एक बार समझ ली तो आपको उसको बता सकते हैं, और दूसरा बस ये मेंस के पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, और इम्पॉर्टेंट ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं NCERT से, राइट। तो पढ़ लीजिएगा, इतना कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि बहुत ईजी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।